राम राम सर, मैं हूं शिवराज गुर्जर और आप देख रहे हैं राजस्थानी सिनेमा डॉट कॉम। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जाने माने एक्टर, राइटर, डायरेक्टर राहुल सूद से। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने करियर की शुरुआत की और किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए इस मकाम पर पहुंचे जिस पर कि आज वो हैं। राम राम साहब, राहुल सूद जी। राम राम। तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां से आपने शुरुआत की, कि आपको ये एक्टिंग करने का जो चस्का लगा, ये कब लगा, कब आपको लगा कि आपको एक्टर बनना है? ऐसा हुआ कि जब मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, तो मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। और ऐसा था कि एक प्रिविलेज था कि हम सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्में देखा करते थे, क्योंकि उस ज़माने में ना तो VCR था ना कोई और अदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। तो फिल्में देख देख करके मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ जो सामने स्क्रीन पे हो रहा है। मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने जब फिल्में देखनी शुरू करी, तो मैं लोगों को, जो एक्टर्स होते थे, उनको इमिटेट किया करता था। स्पेशली एक इंसिडेंस मुझे आज भी याद है कि जब सत्ते पे सत्ता जो फिल्म अमित जी की आई थी, उसमें अमित जी का डबल रोल था और एक जो नेगेटिव करेक्टर था जिसका नाम बाबू था फिल्म के अंदर, उसकी साइड लॉक्स जो थी वो सफ़ेद थी। तो मैं घर पे आकर के मैंने सबसे पहला काम ये किया कि पाउडर, टेलकम पाउडर उठाया और अपने कलमों पे उसको लगाया और मैं बाबू को कनेक्ट करने लगा। और अक्सर हम कहीं जाते तो पापा मजाक में बोलते कि ये एक्टर है, तो चल बाबू बन के बता। तो मैं वहाँ पे उनके ड्रेसिंग रूम में जाता था, ड्रेसिंग टेबल से पाउडर लेता था और वो लगाया करता था। तो वो एक तरीके से एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि अच्छा ये पोयम सुना या ऐसे करके बता। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे कहा करते थे कि यार तू बाबू बन के बता, तो मेरा बाबू करेक्टर बहुत बड़ा हिट था। तो वहाँ से मुझे याद है जो मेरा पहला मेरे इम्प्रेशन है मेरी लाइफ का, जो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कब से शायद उस समय से मेरे जहन में एक एक्टर बनने की इच्छा थी, मुझे जागृत हुई। तो आपने ये जो एक्टिंग का कीड़ा था आप में, इसको शांत करने के लिए पहली बार ट्राई कब किया और किस तरह से किया? जैसे मैंने बताया कि फादर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, तो राजस्थान में हम लोग अलग अलग जगहों पे हमारी पोस्टिंग हुआ करती थी, जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। तो क्या था कि वहाँ पे कभी भी कोई ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ या कोई थिएटर या ऐसा कुछ माहौल कभी नहीं मिला। तो मतलब मैं चाहता था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को उस तरफ जाना कैसे है। तो मैं अक्सर ही सोचता रहता था कि यार मैं ये करना चाहता हूँ मगर इसको कैसे हासिल किया जाए। तो ग्रेजुएशन भी मेरा हो गया था, तो उसके बाद मैं अपनी इच्छाएं जो थी वो मन में रख करके बैठा हुआ था कि मैं ये करना चाहता हूँ मगर मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो एज लक वुड हैव इट, मेरे एक दिन अखबार देखा तो उसमें एक फ्रंट पेज, एक बहुत बड़ा फुल पेज ऐड था अमिताभ बच्चन साहब की कंपनी का, ABCL का, जो स्टार ट्रैक हंट था, जिसमें उन्होंने नए टैलेंट को ढूंढने के लिए वो ऐड था, जिसमें वो ढूंढ रहे थे कि ऑल ओवर इंडिया से हम लोगों को अच्छा टैलेंट मिले जिसे वो बॉम्बे में कोई फिल्म बनाएंगे। तो वो ऐड को देख करके मैंने फोटोग्राफ्स उसमें मांगी थी और कुछ क्राइटेरिया था कि उसमें हाइट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी थी। तो वो मैंने जब भेजा ABCL में, तो मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। उन्होंने मेरे को ऑडिशन के लिए फिर बॉम्बे बुलाया। बॉम्बे जाकर के मैंने उसका ऑडिशन दिया, वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद जब वो सेलेक्ट हो गया, और मेरे घर वालों को भी उस समय, मेरे पेरेंट्स को भी पता चल गया कि हाँ इसने कुछ हासिल कर लिया है, तो उनको भी ऐसा लगने लगा कि हाँ यार इसमें कुछ ना कुछ बात ज़रूर है कि जो ये इस लेवल तक पहुंच गया है। तो वो एक पहला स्टेप था जो मैं इस लाइन में कर पाया। तो जब आप ABCL के लिए वहाँ पर पहली बार मुंबई पहुँचे, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ABCL जो थी वो बंद हो गई थी, और उन्होंने एक ही फिल्म बनाई थी, तेरे मेरे सपने, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम ABCL से जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको लेकर के फिल्म बनाएंगे, मगर उसमें जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए, चंद्रचूड़ सिंह या अरशद वारसी, वो लोग बाहर से लिए गए। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर था कि मतलब मेरे को ब्रेक नहीं मिला, मतलब आप एक लेवल तक पहुँचने के बाद भी आपका कुछ नहीं हुआ।
तो मैं फिर वापस जयपुर आ गया, और जयपुर आने के बाद में पेरेंट्स को थोड़ा सा मेरे पे यकीन हो गया कि हाँ, क्योंकि ये एक इवेंट में जीता है या वहाँ तक टॉप लिस्ट में आ गया है, तो उनको भी एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कि हाँ ये कुछ कर सकता है। तो फिर पेरेंट्स की मतलब मर्जी के साथ में फिर मैं 97 में बॉम्बे गया, और वहाँ पे जाकर के फिर मैंने थोड़ा टाइम बॉम्बे को देखा, समझा, और एक कल्चरल शॉक भी लगा, क्योंकि आप जब छोटे शहर से जब बॉम्बे जाते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ की जो आबो हवा होती है, वो उसमें एकमलेटाइज होने में, आपको यूज टू होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो एक दो महीने तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हाउ टू गो अबाउट इट, करना क्या है मुझे। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना आप एक्टिंग कोर्स क्यों ना कर लो, और आप आश्चर्य की बात यह है कि आप ये भी देखें कि राजस्थान में जैसे मैं रहा तो मुझे NSD के बारे में भी नहीं पता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में होता है, जहाँ पे थिएटर आपको सिखाया जाता है। तो अवेयरनेस वाइज बहुत कम था, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं था और कोई जरिया भी नहीं था ये सब जानने के लिए। तो जब मैं बॉम्बे चला गया, वहाँ पे जाने के बाद मैंने जब एक्टिंग कोर्स किया, तो थोड़े टाइम के लिए जानने के लिए कि फिल्म मेकिंग होता क्या है, मैंने KC बुकाडे साहब को असिस्ट किया लाल बादशाह फिल्म में। तो 3-1 महीने मैं उनको असिस्ट करता रहा, और फिर फाइनली उसी दौरान मेरे को S. रामानाथन जी, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं, उन्होंने वो एक फिल्म पद्माले की कर रहे थे जिसमें वो कास्टिंग कर रहे थे, और उसमें फिर मेरे को उन्होंने अमित जी के ब्रदर के रोल के लिए कास्ट किया, जिसकी की शूटिंग हमने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में भी करी। वो मेरा पहला ब्रेक था, और जैसा कि S. रामानाथन जी के बारे में मैं बता दूं कि वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अमित जी को भी एक तरीके से मेजर ब्रेक दिया था बॉम्बे टू गोवा में, उसके बाद उन्होंने गिरफ्तार बनाई, गंगा जमुना सरस्वती बनाई। तो वो जब इस फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे तो मैं बहुत यंग था, बहुत यंग था, तो उसमें अमित जी के रोल के लिए जब कास्ट किया तो वहाँ पे शूटिंग भी हुई, हमने सारा सौंदर्या के साथ में कादर खान साहब थे, अनुपम खेर साहब थे, इन सब के साथ शूट किया। फिर नेक्स्ट शेड्यूल हमारा पालनपुर में होना था 1 महीने के गैप के बाद, तो वो जब शेड्यूल में हम जाने वाले थे तो उससे पहले मुझे पता चला कि आई एम नॉट देयर इन द फिल्म। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट रहा कि यार कि एक पहला ब्रेक, इतना बड़ा ब्रेक मिला और फिर वो अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं उस फिल्म में क्यों नहीं था। तो वो मेरा पहला ब्रेक था अमित जी के साथ। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा झटका था एक तरह से। लोग तो इस तरह के झटके से एकदम टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपने अपने आप को किस तरह से संभाला, इस सब में से अपने आप को कैसे उबारा, और फिर किस तरह से आप फिर से एक्टिंग के लिए अपने आप को खड़ा करने में कामयाब रहे? जैसे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अभी नेपोटिज्म की काफ़ी बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एज एन आउटसाइडर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो वो जो सदमा था, मेरे को ज़्यादा सदमा इस बात का था कि जो जिस रात को मुझे पता चला कि मैं इस फिल्म में नहीं हूँ, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मेरा क्या होगा, मुझे ये टेंशन थी कि मैं पेरेंट्स को कैसे फेस करूँगा, क्योंकि मेरे घर में सब लोग बहुत खुश थे कि यार एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला है ऐसे। तो मेरे को उस चीज़ का ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड होंगे मेरे ये चीज़ को जान करके। तो उस चीज़ को मैं रात भर में सो नहीं पाया, तो मैं रात भर ये सोचता रहा कि उनको कैसे बताऊँ। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे फादर को ये बात बताई तो उन्होंने बहुत ही लाइटली लिया, एंड उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, मतलब ये तो हर एक के साथ होता है सेटबैक्स। तो बस वो जो एक पर्टिकुलर क्षण था मेरे फादर का मुझे समझाना, उससे मैं उस चीज़ से ओवरकम कर गया था। और उसके बाद फिल्मों में मैं ज़्यादा ट्राई कर रहा था, क्योंकि फिल्म में मुझे लग रहा था कि मेरे को फिल्म में एक्टर ही बनना है। तो मैं काफ़ी टाइम फिल्मों में ट्राई करता रहा, लगभग 1-2 साल, लेकिन मेरे को बहुत उस चीज़ का रियलाइजेशन जल्दी हो गया, क्योंकि मैं ये सोचने लगा कि यार एक प्रोडक्शन हाउस जो होता है वो जब कोई फिल्म बनाता है तो दूसरी फिल्म बनाने में उसे वक्त लगता है, क्योंकि वो जब तक उसको बना के रिलीज़ नहीं कर देगा तब तक वो नेक्स्ट फिल्म अनाउंस नहीं करेगा। तो मुझे लगता था कि एक प्रोडक्शन हाउस में रिलेशन बने हैं, अब वो नेक्स्ट फिल्म 2 साल बाद बनाएंगे या 1.5 साल बाद बनाएंगे, तो उस दौरान मैं क्या करूँ। तो तभी मेरे को रियलाइजेशन इस चीज़ का हुआ कि मेरे को सीरियल्स करने चाहिए। उसके बाद फिर मैं सीरियल्स की तरफ मैंने रुख किया, और मैंने उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। कुछ सीरियल्स के और इनके नाम बताएंगे आप, कौन कौन से सीरियल्स में आपने? मेरा पहला ब्रेक जो था सीरियल जो था वो सहारा पे आता था, डी लाइन।
जो कि विनोद पांडे प्रोडक्शन था और उषा दीक्षित जी ने उसको डायरेक्ट किया था। वो सीरियल में मेरा एक पहला ब्रेक रहा। उसके बाद तो मैंने लगातार काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया, जैसे गौतम अधिकारी साहब का आता था सुराग, वो सुदेश बेरी के साथ में मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में काम किया। उन्हीं का एक और सीरियल आता था हिरेन अधिकारी, जो उनके ब्रदर थे वो डायरेक्ट करते थे, हेलो इंस्पेक्टर, जिसमें रवि किशन थे। मैंने बी आर चोपड़ा साहब के साथ रामायण किया, आप बीती किया। मैंने बी पी सिंह, जिनका सी आई डी आता है, सीरियल सोनी पे आता था, उस उनके साथ मैंने अचानक 37 साल बाद किया। मैंने रामानंद सागर के साथ आरजू है तू किया। मैंने कौंडिल्य फिल्म्स के साथ कोई है और कृष्णा अर्जुन जो स्टार प्लस पे आते थे उसमें काम किया। मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैंने तलाक क्यों दूरदर्शन पे आता था वो किया। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। तो आपका वहाँ मुंबई में इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट भी किया था, आपको कई सीरियल्स भी मिल रहे थे, फिर अचानक से राजस्थान कैसे आना हुआ, जयपुर कैसे आना हुआ? उसमें ऐसा रहा कि जब मैं बॉम्बे में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था और काफ़ी सारे लोग इस लेवल तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं और मैंने भी बहुत मेहनत करी थी उस लेवल तक पहुँचने के लिए, तो एक दिन फादर ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू कम बैक, क्योंकि कुछ फैमिली की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो चाह रहे थे कि तुम आकर के एक बार संभाल लो या देख लो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस काम के लिए रोका नहीं तो अब मैं उनकी बात को डिनाई नहीं करूँगा, तो इसीलिए मैं वापस जयपुर आया। और एक चीज़ और थी मेरे जहन में कि मुझे लग रहा था कि क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिंग स्कूल नहीं है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस करी बॉम्बे जाने से पहले, कि मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिली, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं, तो मुझे ये लगा कि मेरे को एटलीस्ट बॉम्बे में, जैसे मैं कुछ टाइम के लिए एज अ गेस्ट फैकल्टी एक्टिंग स्कूल में भी पढ़ाता था, तो मुझे लगा कि वो जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, क्यों ना मैं अपना खुद का एक एक्टिंग स्कूल यहाँ पे शुरू करता हूँ और लोगों को अवेयर करता हूँ कि वो लोग जो बॉम्बे जाना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं मेरी तरह, उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, वो सोच करके। और फिर राजस्थान में एक माहौल जो फिल्मों का या और जो चीज़ें थी वो मैं चाहता था, मेरे एक्सपीरियंस को भी मैं यहाँ पे लेकर के आऊँ, जिससे और लोगों को फ़ायदा मिले। तो फिर आपने एक्टिंग स्कूल शुरू किया, उसके बाद में आपका जो ये एक्टिंग वाला आपका खुद का जो कीड़ा था उसको कैसे शांत किया आपने? ऐसा था, जब मैं आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैंने ये सोचा था कि मैं एक्टिंग सिखाऊंगा। मगर यहाँ पे आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो स्टूडेंट्स आते थे वो बड़ी एक्सपेक्टेड निगाहों से मुझे देखा करते थे कि सर ने इतना काम किया हुआ है अब क्या कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार मुझे भी काम इतना एक्सपीरियंस है तो मेरे को भी काम करना चाहिए। तो उसी दौरान एक भंवरी फिल्म बन रही थी जिसको कि लखविंदर सिंह डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक रोल बताया कि ये रोल अगर आप करना चाहो तो मैंने एक बार तो उनको मना कर दिया था, मगर उन्होंने फिर दोबारा मुझे पूछा कि जब शूटिंग चल रही थी कि आप कर लो, तो फिर मैंने कहा चलो मैं कर लेता हूँ, कि एक मेरे अंदर जो एक जो आप कीड़ा कह रहे हैं वो भी वापस से जागृत हो गया था, तो मैंने कहा चलो। तो वहाँ से फिर वापस से मैंने मतलब जयपुर आने के बाद मैंने ऑलमोस्ट शायद 2 साल कोई काम नहीं किया, मगर जब वो ऑफर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको ग्रैब किया और उसके बाद फिर वो सिलसिला जारी है। तो उसके बाद आपने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया जी। अपने प्रोडक्शन हाउस स्टार स्ट्रक के बैनर तले आप किस तरह के प्रोजेक्ट बना रहे हैं? मैंने जैसे भंवरी फिल्म में काम किया था, उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे राजस्थान में एक टाइम पे बहुत अच्छी फिल्में बन रही थी। मतलब जब मैं 2013 की बात कर रहा हूँ या 2012 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले उससे करीब 10 साल पहले तक बहुत अच्छी फिल्में बनती रही हैं राजस्थान में। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे जो कल्चर एक बार के लिए थोड़ा रुक सा गया है उसको मैं वापस से रिवाइव करने के लिए मैंने सोचा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो राजस्थान में रहते हुए एक राजस्थान का जो ओवरऑल यहाँ का जो नेचर है और जो जितनी अच्छी लोग बाहर से यहाँ के शूट करते, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे रह करके एक ऐसी फिल्म बनाए जो एक राजस्थान के कल्चर को दिखाते हुए साथ साथ एक अच्छी फिल्म बने, जो एक वापस से ट्रेंड शुरू करे फिल्मों का। वो सोचते हुए थोर फिल्म का निर्माण किया था हमने। तो थोर फिल्म में
राजस्थान की हमने जैसे दरगाह शरीफ उसके अंदर हमने दिखाया, और राजस्थान की और भी नाहरगढ़ और भी बहुत सारी सांभर, बहुत सारी लोकेशंस पे ले जाकर के हमने शूट किया। तो वो पहली फिल्म थी मेरे प्रोडक्शन हाउस के अंदर जो हमने बनाई थी थोर। और उसके बाद फिर लगातार हम लोग कुछ ना कुछ फिर एड फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स हम लोग बना रहे हैं, जो कि अलग अलग लोगों के लिए बना रहे हैं। कमर्शियल भी हैं, नॉन कमर्शियल भी हैं, कुछ मैं मेरे लिए भी बनाता हूँ, कुछ मैं बाहर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे टाटा प्रोजेक्ट्स है या और न्यूज़ 18 है, इन लोगों के लिए भी हम लोग एड फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह बना रहे हैं। आपने अपने प्रोडक्शन के हाउस के अलावा बाहर कौन कौन सी फिल्मों में काम किया राजस्थान में? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे प्रोडक्शन में तो केवल एक ही फिल्म बनी थी जिसमें मैंने काम किया, उसके अलावा मैंने सारी जो 4-5 फिल्में और करी हैं वो सब अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के अंदर करी हैं। जैसे भवनी का मैंने आपको उदाहरण दिया, या मैंने नानी बाई का मायरा किया, मैंने मुंबई के डांसशाला जो बॉम्बे का प्रोडक्शन था उसमें काम किया, मैंने राजू राठौड़ जो राजस्थानी फिल्म थी उसमें काम किया। तो ऐसे मैंने अलग अलग जो जो फिल्में यहाँ पे अच्छे बनती हैं उनके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं भी कास्ट हो जाऊँ उस फिल्म में। तो अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के साथ ही आप अब एक कंप्लीट फिल्म मेकर बन गए हैं। अब आप एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग और डायरेक्शन भी करने लगे हैं। मैं जब बॉम्बे पहली बार गया था तो मैं केवल एक्टर बनने गया था, तो एक्टर बनने के लिए मैंने उसके अलावा कुछ और सोचा ही नहीं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे काम किया तो मुझे जैसे एक्सपीरियंस जो मिला बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जब मैंने काम किया, तो मैंने ये देखा कि एक एक्टर जो होता है उसको डायरेक्टर के हिसाब से काम करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि जैसे एक थिएटर एक्टिंग होती है और एक फिल्म एंड टेलीविजन एक्टिंग होती है। तो फिल्म एंड टेलीविजन जो एक्टिंग होती है जो हम भी सिखाते हैं, उसके अंदर हम डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझाते हैं कि एक्टर को डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक सिनेमेटोग्राफर जो होता है कि कैमरे की जो प्लेसिंग होती है वो भी एक एक्टर को आने लग जाती है। तो जब मैंने वहाँ जाकर के इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि एक एक्टर को डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए, तो मतलब ये हैंड इन ग्लव है। मतलब आपको सारी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, चाहे राज कपूर साहब का दूँ या सुनील दत्त साहब का दूँ या आज का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर आप देखेंगे कि राज कपूर साहब एक अच्छे राइटर भी थे, एक अच्छे एक्टर भी थे, एक डायरेक्टर भी थे। सुनील दत्त साहब के साथ भी, ये जितने भी अगर बड़े बड़े नाम लें, कई बार एक्टर्स जो होते हैं वो अपना डमी नाम दे देते हैं। जैसे मनोज कुमार साहब ने जो शुरू की फिल्में करी हैं उसमें वो खुद ने घोस्ट राइटिंग भी करी है। मतलब वो कौन थी जैसे फिल्म थी, तो उस फिल्म में उन्होंने एज अ राइटर भी काम किया बट नाम नहीं दिया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक एक्टर को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन और राइटिंग के अंदर कैसे काम किया जाता है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ आपको कि अमित जी का उदाहरण दूँ, तो जब मैं लाल बादशाह में अमित जी के साथ काम कर रहा था तो मैंने देखा कि वो जो स्क्रिप्ट मिलती थी उन्हें, तो उसके अंदर वो कॉमा और फुल स्टॉप अपने हिसाब से लगाते थे, क्योंकि एक राइटर की जो बोलचाल की भाषा होती है वो अलग होती है और जो एक्टर होता है वो अपने तरीके से उस डायलॉग को बोलता है। तो वो कहाँ पे कॉमा लगेगा, मतलब कहाँ पे वो पॉज लेगा, कहाँ पे वो लंबा पॉज लेगा, तो उसको ये अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। तो राइटर की लिखी हुई चीज़ को एक्टर को अपने हिसाब से उसको बेटर वे में कन्वे करना पड़ता है, वो फीलिंग्स को वही रखते हुए, उस फीलिंग्स को और बेटर करने के लिए और उसको नेचुरल बनाने के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है एक एक्टर के लिए कि उसको नेचुरल बनाने के लिए वो अपना डायलेक्ट या अपने तरीके से उस डायलॉग को बोले। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चाहे सुदेश बेरी या मोनीश बहल या इन लोगों के साथ जब मैंने काम किया, तो आपको एक एक्टर को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि मैं उसमें अगर ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे क्यों कर रहा हूँ, या कौन से सीन में कर सकता हूँ मैं, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर जैसे कोई सेट पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं तो एक्टिंग करते समय मैं कौन सी प्रॉपर्टी को उठा सकता हूँ। पहली बात तो यह कि मैं कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो डायलॉग है क्या वो ये परमिट कर रहा है कि मैं, अगर ये रिमोट पड़ा हुआ है तो मैं इस रिमोट का कोई इस्तेमाल करूँ या मैं ऐसे करके इसको घुमाऊँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ना आपकी एक्टिंग को बहुत स्वाभाविक बना देती हैं, बहुत ही नेचुरल बना देती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ का जो यूज़ होता है वो एक एक्टर को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है और एक डायरेक्टर को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो सेट में कौन कौन सी चीज़ों को रखे।
तो वो सब चीजें जो मैंने बॉम्बे से सीखी थी उसी का मैंने यहाँ जयपुर आने के बाद मैंने उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि क्योंकि उससे पहले मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि एक्टिंग कर रहे थे आप, अब आप एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हो तो आपका जो बॉम्बे का एक्सपीरियंस था जो 10 साल का उसको फिर मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया एज अ डायरेक्टर या एज अ राइटर क्योंकि मेरी समझ बढ़ गई। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आई एम परफेक्ट बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो डायरेक्शन के प्रति या जो राइटिंग के प्रति जो मेरी समझ थी उसने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने से मेरी समझ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसी के साथ मैंने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया उसी कारण बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और हाल ही में मुझे बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि मेरी 3 फिल्में जो है वो नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप राजस्थान में रहते हुए आप ऐसी चीज़ें बना रहे हो जो नेशनल लेवल पे आ रही हैं और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जीत है। आज हम देख रहे हैं कि राजस्थानी सिनेमा की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। कोई अच्छा फिल्म मेकर अगर कोई अच्छी फिल्म बनाए तो शायद ये दशा सुधर सकती है, तो क्या हम आपसे उम्मीद रखें कि आप कोई ऐसी राजस्थानी फिल्म बनाएंगे जो इस इंडस्ट्री की दिशा मोड़ने में एक अहम भूमिका निभाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है आपने क्वेश्चन पूछा, इट्स ऑन द कार्ड्स, मतलब गॉड विलिंग अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द मैं एक राजस्थानी फिल्म भी बनाना चाह रहा हूँ और इनफैक्ट मैंने पहले भी सोचा था कि थोर बेसिकली हिंदी फिल्म थी, उसका सीक्वल मैंने बनाने की सोची थी जब नोटबंदी हुई, उस दौरान मैंने रेकी भी कर ली थी, मैंने लोकेशंस भी देख ली थी, स्क्रिप्ट भी रेडी थी, मगर वो नोटबंदी होने के कारण जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया और उसके बाद बाहर के प्रोजेक्ट्स आने लग गए तो मैं उसमें बिजी हो गया, मगर गॉड विलिंग बहुत जल्दी मैं एक राजस्थानी फिल्म बनाऊंगा। बस एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि राजस्थानी सिनेमा जो है वो विश्व पटल पे अपना एक स्टैंपिंग अपनी मोहर लगाए और मैं चाहता हूं कि राजस्थानी सिनेमा को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जाए जहां ना केवल नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी एक पहचान मिले, तब मुझे ज्यादा खुशी होगी। नहीं बिल्कुल, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द ऐसी राजस्थानी फिल्म बनाएंगे जो नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए। और आपका ये जो यहाँ से जयपुर से मुंबई और मुंबई से जयपुर आकर के जो सफलता आपने प्राप्त की है ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगी। बिल्कुल, यंगस्टर्स को बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने चेज योर ड्रीम्स और जो भी करें ऑनेस्टी के साथ करें क्योंकि ईमानदारी किसी भी प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर ऑनेस्टली किसी भी प्रयास कोई भी चीज़ का प्रयास करते हैं तो आप उसमें 100% सफल होते हैं। देर हो सकती है मगर वो देर आपको एक मीठा स्वाद देगी जब आप एक अच्छी चीज़ को हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सूद जी, राम राम। राम राम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे एक्टर डायरेक्टर राइटर राहुल सूद जिन्होंने अपनी फिल्मी यात्रा आप लोगों से साझा की। ये उन लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनको ये जानने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ जाके मुंबई जाने के बाद में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है और किस तरह से उनसे उबर करके अपना करियर वो बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये इंटरव्यू इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।